प्रॉफिटिंग हो चुका है, खाली बिल्डिंग करने के लिए रह गया, बाकी बिल्डिंग होने के बाद सीधा कलर डलेगा इसमें पूरा सब ए टू जेड पूरा फिटिंग। नाश्ता वाश्ता से सब करके आ गया, काफ़ी टाइम हो गया और 12 बज गए। क्या बोलते हैं, सर भी आ गया था इधर, तो बोनट पड़ा था सामने वहाँ पे जो टूटा पड़ा था उसको भी देखे आ गया हूँ रिपेयरिंग के लिए। तो बोला है फोन करूँगा जब रिपेयर हो जाएगा, जब फोन करूँगा क्योंकि वो कारनेस से एक्चुअली टूटा हुआ है, तो खाली वही रिपेयर कराने का था वो दे दिया। बाकी तो गैरेज का तो अभी ऐसा चीज़ कोई दिखाने का नहीं, हाँ ये सब देखने का है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियाँ खड़ा है उधर, कलर का कलर के लिए कि सही हो रहा है, मगर जो इसमें अंदर जो बना रहा है ना, केबिन हो गया जो भी कुछ बना रहा है ना, वो नहीं दिखा सकता अब, क्योंकि वो क्या सीक्रेट है वो सब चीज़। अगर वो दूसरे को मालूम पड़ गया तो फिर बना लेगा ना खुद से, इसकी वजह से वो चीज़ को नहीं दिखाऊंगा। मेरे पीछे ही काम चल रहा है, मेरे बम्पर का काम चल रहा है अभी, और बम्पर तो हो ही गया खाली, फाइनली कलर वेल्डिंग तो हो गया, थोड़ा सा बचा, खाली थोड़ा सा कलर डालने के लिए रह गया। और देखो और देखो बम्पर वेल्डिंग हो रहा है उधर, दूसरे तो नहीं समझ में पड़ेगा क्या है, और मशीन खड़ा है अपना, ठीक है। चलो सोच रहा हूँ यार नहा लूँ, यार कल का आया हूँ अभी तक नहाया नहीं हो, देखता हूँ पानी आ गया, वो बोल रहा था टैंकर आएगा, तो देखो पानी आ गया होगा तो फटाफट नहाता हूँ धोता हूँ और फिर खाने का जुगाड़ देखते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फाइनली बम्पर रेडी हो गया, बस अभी थोड़ा सा गर्म रखा है, बस थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो डाल देंगे, पूरा रेडी हो गया एकदम, बस खाली फिटिंग करने का है। पूरा सेम टू सेम लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट जैसा बना है, बचा खाली एक बैटरी बॉक्स बना रहा है, बैटरी बॉक्स बने तो वो भी ख़त्म होता है। देखो थोड़ा सा ठंडा हुआ तो फिर चढ़ा देंगे इसको, बाकी तो साइलेंसर का काम बचा है और तो कुछ है नहीं है, ठीक है। हाँ बाकी तो खाली गिलास डालने का है, और आज संडे है तो आज तो नहीं हो पाएगा गिलास का भी काम, क्यों ये सब भाई इसको भी वेल्डिंग कर लेते, नहीं तो गैस वेल्डिंग करा के लाना पड़ता। हाँ वही जाली है वो वेल्डिंग करने का है, गैस वेल्डिंग होना नहीं तो इसको, अरे ये वेल्डिंग नया होता, गैस वेल्डिंग भी नया है, वो जाली नया है डालने का है, तो जाके गैस वेल्डिंग करा ले भाई, इलेक्ट्रिक नहीं रुकता इसको, ये बहुत बारीक बहुत वायर होता है, इधर नहीं इधर नहीं, तो पाइप पूरा चेंज करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पाइप है ये वाला खाली चेंज करने का है, भाई इधर ये है ना, ये इसका काम में लेने का, ये फ्लैश काम में लेने का, तो जाली तक डालने का है, उसके लिए जाली के लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा आठ नगर एल बी नगर। तुम्हारे को नहीं परेशान करूँ, ठीक है चलो थोड़ा सा हाथ पैर धोता हूँ, गुस्सा है ऑलरेडी, कोई तो इधर कौन लगा है बात करने के लिए। बम्पर तो खाना खा के ही फिट करेंगे अब, अभी तो बम्पर का खाना खाने के बाद आज नाइट का काम होता पूरा। कौन आ रहा भाई, क्या बोलते, फाइनली अपना बम्पर तो डल गया, और अभी देखो बेल्डिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से आज तो नहीं होगा, कल देखो जहाँ तक कि शाम तक हो जाए, क्योंकि अभी कलर नहीं डला है, और बम्पर को कलर डलने में भी टाइम लगेगा, और क्या बोलते हैं दिखाता हूँ बम्पर डला के। कहाँ गया था, कहाँ था, चलो बम्पर फिटिंग हो गया, और सोच रहा हूँ आज तो खाली बिल्डिंग वेल्डिंग कर देगा पूरा, और कलर भी डाल देगा उसके बाद। मेरे क्या बोलते हैं, ऐसा बम्पर देख रहा है उधर वेल्डिंग हो रहा है, और मैं उधर अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका क्या बोलते हैं अपना उधर होम थिएटर बजा के रखा है, पिछली क्लिप भी बना दी उसमें थोड़ा थोड़ा सा मेरे को साउंड आ रहा था, मैं बाद में क्लिप चेक किया, इसी वजह से मैं क्या उधर से निकल आया वो सेट से, सेट के अंदर होम थिएटर यहाँ पे भी आ रहा है, मैं मामूली सा आ रहा है, कॉपी राइट ना मार दें, मैं सोच रहा है कौन से अपने सब्सक्राइबर जाना है अभी, और कौन सी व्यू उतने आ रहे हैं, मार देंगे एक आध दो वीडियो पर कॉपी राइट तो मार देंगे, जब बाद में कुछ हो जाएगा तो वीडियो ही डिलीट कर देंगे ज़्यादा होगा तो। और बाकी ये छोटा गाड़ी का भी यहाँ पे पूरा ड्रम ड्रम उतार के रखा है, ये पीछे रखा है उसको भी कलर डाल रहा है पूरा, और मेरा भी सर का अभी फ़ोन आया था, बोल रहा है हो गया बाइनेट, तो देखो सर आ रहा है कैंपर लेके, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद में बाहर अपना काम से थोड़ा सा लगा हुआ है, तो देखो बोनेट भी उठा के लेके आते हैं, क्योंकि बोनेट इधर पड़ा था ना पीछे, यहाँ पे पड़ा था पीछे,
वो भी रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है, देखते हैं कब तक आता है सर। और देखो क्या बोलते हैं, चाय बन रहा है, थोड़ा सा चाय पीता हूँ फटाफट। और तो आज तो और कोई काम है नहीं, खाली वाइनटी उठा के लेके आने का है। अब वो क्या लोग काम कर रहा है, मैं ठीक है बजा रहा है, बजाने दो, मेरा क्या मतलब है। अब अभी बंद करेंगे तो उनका मन भी नहीं लगेगा काम में। मैं भी जैसे लारी चलाता हूँ तो मैं भी उसमें गाना बजाता हूँ, कोई बंद करता है तो मैं तो मोबाइल तक मेरे फूट गए एक दो बार इसके चक्कर में। इसकी वजह से मैं फिर कुछ नहीं बोला। बाकी तो ये दो भी गाड़ी का केबिन वाइनट आइनट सब पूरा कलर मेरा डाल के पूरा रेडी करेगा। चलो चाय बनता है, चाय पीता हूँ फटाफट। और जब तक सर भी आ जाएगा तो फिर बोनट उठा के लाता हूँ और दिखाऊंगा भी कैसा बना है, क्यों मतलब दिखेगा कि नहीं दिखेगा। वो खाली कलर तो डालना पड़ेगा क्योंकि उसको पेच मारेगा तो कलर तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, बोलते पूरी प्लानिंग तो फेल हो गई। और अपना ये इसका जो बम्पर वेल्डिंग कर रहा था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया एक इंची का, इसकी वजह से पूरा बम्पर निकालना पड़ा। और अभी उसको फिर वेल्डिंग करके पूरा देखो फिटिंग कर रहा है, अगर हो गया अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से उस पे फिर लेके जाना पड़ेगा, उसको बैंड कराना पड़ेगा क्योंकि एक इंची के डिफरेंस की वजह से क्या थोड़ा सा फिटिंग तो हो गया, गाड़ी में लगा दिया तो सब हो गया, मगर जब वेल्डिंग कर रहा है ना अच्छे से इसको बम्पर को तो क्या थोड़ा सा टेपर हो जा रहा है, मतलब ऊपर की साइड से उड़ जा रहा है। तो क्या आज दिखने में अच्छा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, मेरे को भी दिक्कत, मैं तो बोल दिया था कर दो, मगर फिर हमारा बिल्डर है जो यूसुफ भाई वो बोले नहीं यार अच्छा नहीं दिखेगा ना, सब करने के बाद फिर बाद में गाड़ी अच्छा ना दिखे तो फिर मतलब क्या निकलेगा। उसकी वजह से अभी देखो बिल्डिंग कर रहे हैं, दिखाता हूँ ये निकाल दिया है मगर अभी बिल्डिंग कर रहे हैं पूरा काट पीट के सब, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा जो चौड़ा जैक लगा के रखा है, दो भी साइड जैक लगा दिया है, ऐसा इधर करना है ऐसा ही थोड़ा सा इधर करना है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी वो जैक लगा के उनने मार तो दिया ताका। और क्या बोलते हैं तो खड़ी है सामने, देखो कितना टाइम लगता है देखते हैं फटाफट। और कल भी रात को 12 बज गए थे, मैं तो 12 बजे सो गया था, ये लोग तो 2 बजे तक काम किया था, मैं तो सो गया था 12 बजे क्योंकि मैं नींद आ रहा था, परेशान था। और आज मैं सोच रहा था कि आज अगर ये गाड़ी रेडी हो जाएगा तो कल शाम तक कैसे भी करके इसको लोड करवा देता, मगर किस्मत ने साथ ही देते कितना टाइम लगता है। क्या बोलते हैं देखो मेरे ख्याल से अभी हो तो जाएगा, लगे हैं चेक लगा के अपने यूसुफ भाई, एक साइड का तो हो गया, खाली एक साइड का और रह गया थोड़ा सा। और देखते हैं कितना टाइम लगता है, कर तो रहे हैं इसे भाई अपने आराम से मजे में। क्या बोलते हैं नहा धोके तो मस्त रेडी हो गए, और रात में ही नहाया हूँ, इधर तो कोई गर्मी और तो क्या बोलते हैं सर्दी फर्दी तो है ही नहीं है। आए थोड़ा सा रात में वरंगल से थोड़ा इधर कुछ ज़्यादा था मेरे ख्याल से। और क्या बोलते हैं बेल्डिंग तो अभी चल रही है, यूसुफ भाई लगे दिखाता हूँ, देखो भाई 90 लेके आऊँ 100 लेके आऊँ, थाउजेंड थाउजेंड तो बहुत हो जाएगा। अरे बहुत ही होना बनता है, थोड़े समय थोड़ी बनता है। आज रात का 4 बजना बेशक, मगर आज ये बम्पर फिटिंग कर देंगे गाड़ी को, यूसुफ भाई लगे हुए हैं कैसे भी करके। देखो ये इधर का तो कर दिया उनने ऑलरेडी, और इधर का भी ये बॉक्स बनाने को लगे हुए हैं। चलो मेहनत कर रहे हैं तो फल जरूर मिलेगा। और क्या बोलते हैं इसका सेटिंग अभी तो इसका फिटिंग भी देखो अगर करेंगे तो वो भी इसी ब्लॉक में डाल देंगे, नहीं तो फिर दूसरा कल का ब्लॉक में आएगा उसका, फिर देखेंगे कितना बड़ा ब्लॉक होता है, उसके ऊपर है ब्लॉक, 10 मिनट से नीचे का रहेगा तो चल जाएगा। यूसुफ भाई यार वेल्डिंग करना मेरे को भी सिखाओ ना, है ट्रेनिंग दे दो कोई बात नहीं चलेगी। और ना तो क्या आराम से रेडी हो गया, पानी तो नहीं आया, मैं बाजी वाले घर से मांग के लाया हूँ पानी भी। और क्या बोलते हैं बम्पर का जो काम हो रहा था वो तो हो चुका है, मगर अब क्या टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, और खाना वाना तो सब खा पी लिए और सोच रहे हैं कि सो जाएं, अब तो सुबह देखेंगे कल का दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। और ये ब्लॉग भी फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए अब ये ब्लॉग को ही सोच रहा हूँ कि इधर ही एंड करता हूँ, और बाकी एक बार बम्पर दिखाता हूँ कभी पड़ा है पूरा रेडी हो गया है, बाकी अब फिटिंग होने के बाद पूरा पता चलेगा, पूरा रेडी कर दिया है।
यूसुफ भाई ने बहुत मेहनत करी है। 10 बज गए, मेरा कड़ी को आज पानी सा चल गया यार। चलो क्या बोलते हैं अपना, इसका सुबह अपना फिटिंग करवा देंगे फटाफट, तो काम खत्म करके देखो कल तो अपलोड नहीं होने का। मैं सोच रहा था कि अगर ये बम्पर आज फिटिंग हो जाता ना तो मैं अभी वेल्डिंग करके ख़त्म कर देता, बाकी तो कोई छोटा मोटा काम था वो कल दिन ख़त्म करके और कल शाम तक लोड हो जाता था। खांसी हो रहा है पता नहीं क्यों, और अभी तो आज तो नहीं हो पाया, मेरे ख्याल से कल भी नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से ट्यूजडे को यहाँ से मशीन निकलेगा। चलो और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। ठीक है।